आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं, एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलू में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। सारा आदर और सम्मान तेरा।
कितना बड़ा है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और ये समय में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ओ रमांक लेगे जीब्र लो कोन तले के सीतरा लेब्रा लमांग दोम्र लो कोन तले के देर बदो लो कोन तले के सीतरा लीब्रा लमांग देब्र लो कोशा ली का सा ला की ज ला का ती ला का धीरा ला का जीर ला का जीर ला का जीर ले ओन तले के तले के देर बदा उम्र लमांग देम्र लो कोन तले के देर बदा ला का ली गे दले गे ली गे दले गे दले ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आप ही सारी सृष्टि के रचयिता है परमेश्वर। सारी सृष्टि आपके द्वारा बनी है परमेश्वर, सारी वस्तुएं आपके लिए और आपके द्वारा बनी है प्रभु यीशु के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे शहर और हमारे विस्तार में हीलिंग आउटरीच के इंपैक्ट के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसके 5वें वचन से 8वें वचन तक। और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए लंगड़े भी अच्छे हुए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे हीलिंग आउटरीचेस के इंपैक्ट के लिए। जैसे ही हम इस प्रोग्राम के लिए उन्हें इनवाइट करते हैं और उन जगहों को तैयार करते हैं, हम घोषणा करेंगे कि हम हमारे शहर के और हमारे कैचमेंट एरिया के हर गली और नुक्कड़ में हीलिंग आउटरीच के द्वारा पहुंच रहे हैं, और लोग इस संदेश को आनंद और उत्साह के साथ ग्रहण कर रहे हैं, और उनके जीवन हमारे सुसमाचार के द्वारा बदले जा रहे हैं। घोषणा करें कि जैसे हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, परमेश्वर का आत्मा उनकी आंखें खोल रहा है उस महिमामय सुसमाचार के प्रकाश को देखने के लिए, और वो उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। इंग्रलो शेन ग्रेलेगे द्रेगे जामा क्रलो तलेगे दरा इंग्रलेगे जामा कोला बाज माले प्रला महाजे ब्रला महाजे ब्रला महाजे ब्रला महाजे ग्रेलेगे तो लोग ग्रेलेगे दरके दरबदा लोग ग्रेलेगे दरके दरबदा इंग्रलेगे जाक्रलो शेन दलेगे ब्रला बा इंग्रले बोश आंका इंग्रलो बोश आंका लहा जाका लखा इबलो बोश शेन दलेगे दलेगे दरबदा इंग्रल मांगलेगे दरबदा अंगलेगे दलेगे दरबदा अंगे मुदे इंग्रले मोद दलेगे दरबदा अंगलांग लोग दलेगे दरा इंग्रले बोश आंगलेगे लांगलेगे लांगलेगे दरबदा उंगला इंग्रले बोश हा इंग्रलो बोश आंगले बोश हा बोश हा बोश हा इंग्रले बे जबहा जबहा दले ईजे गे गे रो बोशा गे गे रो बोशा आंग लगे द महांग लगे द बदा मीरो रा बा मीरो ल महांग लगे द रिंग रा मांग रो शेंदला इंग्रे ले बेस मार बजी मेर बजी कदा मेर मजी क दर बदा लोगों दल के सी दरा मेर बदा हालू कर लेगे दरा लेगे दरा हाल लेगे दरा हाल इंग्रे लेगे सुख लोगों शांद ले इंग्रे लेगे दर बदोंग लोग लगा लोग लोगों दल के दर बदा लोग दल के दी बदा इंग्रे लोगों दल के दर बदा लगे 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 लगा लगे 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 लगा लोग लोग दले इंग्रे लेगे बरो शांद ला इंग्रे लेगे दर के दर बदा लोग दर के दरा अरे जहा ले ब्रे लेगे जेगे लहा लेगे जहा लेगे जहा
धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसे फिलिप परमेश्वर, हाँ परमेश्वर उन जगहों पर पहुंचा और जब वो सुना रहा था परमेश्वर संदेश को, लोगों ने एक चित होकर सुना, वैसे ही परमेश्वर हमारे विस्तार में परमेश्वर जब वो हीलिंग स्ट्रीम आउटरीचेस चल रही है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर लोग एक चित होकर उसे सुन रहे, ग्रहण कर रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर हर जगह लोग चंगाई को ग्रहण कर रहे परमेश्वर, हर जगह उद्धार को ग्रहण कर रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर इस आउटरीचेस के द्वारा परमेश्वर आत्माओं की मैसिव फसल परमेश्वर हमारे चर्चेस में, हमारे सेल्स में, हमारे सेंटर्स में आ रही प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हमारी लाइव हीलिंग सर्विस, हीलिंग स्ट्रीम के स्पॉन्सरशिप के लिए फाइनेंसिस, अबंडेंट फाइनेंसिस भरपूरिता में उपलब्ध होंगे। वचन लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:8 वचन, और परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हमारे इस प्रोग्राम के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी फाइनेंसिस चाहिए, जो भी रिसोर्सेस चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम घोषणा करेंगे कि जैसे इस प्रोग्राम के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है वो सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा चमत्कारिक रूप से उपलब्ध की जाती हैं। घोषणा कीजिए कि हमारे भाई उत्साहित है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने रिसोर्सेज को देने के लिए लगातार इस प्रोग्राम के सफलता के लिए। चलिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर इस प्रोग्राम के हर गोल्स को, हर फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए परमेश्वर हमारे पास अबंडेंट सप्लाई है प्रभु यीशु के नाम में। अब परमेश्वर हमारे भाई उत्साहित है परमेश्वर आत्मा के द्वारा अपने रिसोर्सेज को इस प्रोग्राम में लगाने के लिए, इस प्रोग्राम की सफलता में लगाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है ये प्रोग्राम एक सफलता है। अब परमेश्वर आत्मा के स्तर में एक डन डील है प्रभु यीशु के नाम में। हर व्यक्ति जो परमेश्वर अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, अब परमेश्वर वो लगातार अब आत्मिकता में अपने रिसोर्सेज में, अपने फाइनेंस में बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर हर जगह परमेश्वर पर्याप्त मात्रा में वो परमेश्वर चीजें उपलब्ध है परमेश्वर, सारी चीजें उपलब्ध है परमेश्वर, फाइनेंसिस परमेश्वर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है प्रभु यीशु के नाम में। आत्मिक चमत्कारिक रूप से वो पैसे वहां पर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। और हमारा आज का प्रार्थना का तीसरा बिंदु है, 1 तिमोथी उसका 2:14, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करे और वो सच के ज्ञान में आ जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु को
वो उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। शहीन दला मांद्रे लेगे ओ जहार की जहा ओ जाकल की जहाला कजीद लेगे दलगे दलो ब्रलो को दला मे मामा कुजा अले गलहा दो लहाउस 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 रे प्रे को दला इमरले मेन करले मेन दलगे दरगे दरबदा माजे 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए जो आपने उपलब्ध किया है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। आप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, कि आज ही ये महामहिमामय सुसमाचार का प्रकाश उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर इस उद्धार की सामर्थ्य उन तक पहुंचा रहे, धन्यवाद परमेश्वर। इन प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। Yeshu se utsar tu, us
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन 1 जनवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है निष्कर्ष पर ध्यान दो, ना कि प्रक्रिया पर। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 2 तक, जो कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। पास्टर क्रिस हमें बता रहे हैं, मैंने अक्सर कहा है कि इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 में विश्वास की जो परिभाषा हमारे पास है उससे बेहतर कोई परिभाषा नहीं है। यह कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, इसका अर्थ है कि विश्वास आशा का एक निष्कर्ष है। इसलिए अपने विश्वास को इस्तेमाल करने में आपका ध्यान माध्यम पर या प्रक्रिया पर नहीं होना चाहिए। स्रोत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास निष्कर्ष है, ना कि प्रक्रिया। हालेलुया, बाइबल अब्राहम के विषय में कहती है, वह विश्वास में कमजोर नहीं हुआ और अपने शरीर की मृत दशा और सारा के गर्भ की मृत अवस्था पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह विश्वास में मजबूत था। हालेलुया, अर्थात निष्कर्ष में। हालेलुया, अब्राहम का ध्यान इस बात पर नहीं था कि बालक इसहाक कैसे आएगा, बल्कि उसका ध्यान परमेश्वर पर था जिससे वह आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का अपना वचन उसे दिया था और उसने परमेश्वर को उसके वचन के लिए वफादार गिना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने विश्वास की आंखों से बालक को देखा। आज आप क्या देख रहे हैं? आपके विश्वास ने क्या देखा है? आपकी आत्मा ने किस बात को पकड़ लिया है? उस चित्र को पकड़ लो जो आप चाहते हैं और इस बात की चिंता करना अस्वीकार कर दो कि यह आपके पास कैसे आएगा। मत सोचो मेरे लिए यह या वह करवाने के लिए वहां पर परमेश्वर के पास कौन है, इस परियोजना के लिए मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। नहीं, आपका काम है परमेश्वर पर ध्यान लगाना। जो आप चाहते हैं उस पर अपना हृदय और अपना दिमाग लगाओ। आपकी आशा इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कोई पैसे से आपकी मदद करें, बल्कि परमेश्वर अर्थात आपके स्रोत पर होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर विश्वास की निर्भीक घोषणाओं को करो और विरोधी चिन्हों, भावनाओं या डरों को मना कर दो। परमेश्वर को महिमा देते हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, जो आप देखते हैं वही आप पाते हैं। बाइबल कहती है कि अविश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया नहीं, बल्कि विश्वास में मजबूत था। परमेश्वर को महिमा देते हुए, हालेलुया, वह उस चित्र को थामे रहा, क्योंकि जब आप उससे दूर देखते हैं तब यह गायब हो जाता है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तब आप इसे कार्य करता हुआ देखते हैं और यह प्रत्यक्ष होता है। हालेलुया, इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन से अवरोध, जो लोग कहते हैं कि अवरोध आपके विरोध में है, इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन से अवरोध जो लोग कहते हैं कि आपके विरोध में है, इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप किन परेशानियों का सामना करते हैं। क्या आप अपने महिमामय जीवन का चित्र देख सकते हैं? क्या आप महान, सफल, विजय और उत्कृष्ट आपका चित्र देख सकते हैं? यही महत्वपूर्ण है, इसे थामे रहो। हालेलुया, यह समय प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपने मेरे हृदय में अनंतता को स्थापित किया है। मेरे पास उन संभावनाओं और महिमामय जीवन को सोचने या देखने की असाधारण क्षमता है जिसे जीने के लिए आपने मुझे बुलाया है। मुझ में कार्य कर रही आपकी सामर्थ्य की अनगिनत, असीमित और समझ से परे महानता को मैं आत्मा के द्वारा समझता हूँ। मेरा विश्वास
जीवित है, हमेशा परिणामों को उत्पन्न करते हुए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 3 टीपीटी अनुवाद से और उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 14 से लेकर 15। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 1 और उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर 2। और दो वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 14 और उत्पत्ति अध्याय 1। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल, ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लो वे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको देते हैं परमेश्वर। सारा सम्मान तेरा, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य।
अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना की पृथ्वी उसकी आराधना करके तुझको महिमा महिमा तू पवित्र है परमेश्वर तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र हाँ तू है तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तुझको महिमा तुझको महिमा महिमा अपने पूरे दिल से गाए तुझको महिमा उसकी स्तुति उसकी आराधना महिमा सारी महिमा उसकी तुझको महिमा महिमा तुझको महिमा महिमा सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं सारा आदर तुझको आदर सारा आदर तुझको आदर तुझको आदर सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य महिमा महिमा तुझको महिमा महिमा तू योग्य है सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं धन्यवाद परमेश्वर ओ हालेलुया ब्रोशा थेले इंद्र जहां कहीं हैं अपने पवित्र हाथों को उठाइए ब्रोशा थेले इंदल ईदल बदा और बताइए आप उससे कितना प्रेम करते हैं वो आपके लिए कितना कीमती है वो आपके लिए कितना मूल्यवान है रीजा थेरा लीदर लबदे बोलिए प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ बोलिए अपने मुंह से अपने हृदय से विश्वास करके बोलिए अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल की गहराई से कि प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु आप मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ अपनी आत्मा को ट्रेन कीजिए बोलिए बार बार कि प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु आप मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ बोलिए 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 जितना आप बोलेंगे उतना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा उतनी आपकी आत्मा को पता होगा कि किससे प्रेम करना है किसकी बातों को सुनना है बोलिए प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ ओ धन्यवाद परमेश्वर आप दयालु हैं कृपालु हैं आप महान हैं आपके जैसा कोई नहीं है आप प्रेम ही परमेश्वर हैं धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद अपनी दया हमें दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु सारा विश्व आपका है विश्व के सारे देश आपके हैं आप ही एकमात्र जीवित बुद्धिमान प्रभु हैं प्रभु और आपके जैसा कोई नहीं है हम सब आपके हाथों की रचना है धन्यवाद आपके आत्मा को हमें देने के लिए धन्यवाद आपके वचन को हमें देने के लिए धन्यवाद आपके वचनों की समझ हमें देने के लिए हम आभारी हैं प्रभु हम आभारी हैं हम आभारी हैं प्रभु हम आभारी हैं उस परमेश्वर के जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यीशु मसीह के साथ हम पहचाने जाते हैं धन्यवाद देते हैं उस पहचान के लिए जो आपने हमें दी है धन्यवाद इस समय के लिए आपकी उपस्थिति में हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वजह से प्रेम आनंद विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए जब हम यहाँ से जाएंगे
हम बड़ी हुई महिमा के साथ जाएंगे, बड़े हुए विश्वास के साथ जाएंगे, बड़ी हुई आशा के साथ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम, बड़ी हुई समझ के साथ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके वचनों के द्वारा जीने के लिए उत्साहित, आप अपने विश्व को आपके वचनों के द्वारा चलाने के लिए उत्साहित, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बैठ सकते हैं। वाओ, जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा, और जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा। पड़ोसी का हाई फाई करके स्वागत कर सकते हैं। अच्छे से मुस्कुरा लीजिए, अच्छे से मुस्कुरा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली बार हमने बातचीत शुरू की थी मसीह के साथ हमारी पहचान, और हमने कहा कि सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ी पहचान जो आप अपने आप को दे सकते हैं, जिसके साथ आप पहचाने जा सकते हैं, वो है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी किसी भी व्यक्ति को यीशु मसीह के साथ पहचाने जाने में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। कोई कह सकता कि अरे कि आप यीशु में हो, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही एक पहचान है जो स्वर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट है। यही वो पहचान है जो स्वर्गदूतों के सामने और यहां तक शैतानों के सामने भी इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे बोलिए, यही वो पहचान है। तो कभी भी मसीह के साथ पहचाने जाने में शर्मिंदा मत हो जाए। कहीं भी मत सोचिएगा कि ओ, अगर मैं यीशु मसीह के साथ पहचाना जाऊंगा तो मेरा घाटा हो जाए। हमारे पास हजारों लाखों गवाहियां हैं कि जब तक लोगों ने यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान को अच्छे से जान नहीं लिया, तब तक वो बदलाव उनकी जिंदगी में नहीं आए जो वो देख रहे। उन्होंने दिल से कभी सोचा ही नहीं कि यीशु मसीह के साथ पहचाना जाना कितने सम्मान की बात। उन्हें घमंड था अपनी नौकरी की पहचान पे, उन्हें घमंड था अपनी पढ़ाई की पहचान पे, उन्हें घमंड था अपनी जाति की पहचान पे, पर उन पहचानों ने उनको कुछ आगे नहीं बढ़ाया। पर जैसे ही उन्होंने मसीह के साथ अपनी पहचान को स्वीकारा, उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो होने दीजिए कि आप मसीह के साथ पहचाने जाओ। थोड़ी सी बोलिए, मसीह के साथ पहचाने जाओ, मसीह के साथ पहचाने जाओ। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो सबसे पहले अपनी पहचान को बताइए जो मसीह में आपके पास है। ये बताने से पहले कि आप कहाँ काम करते हो, कहाँ पैदा हुए थे, सबसे पहली जो आपकी पहचान है कि यीशु मसीह आपका प्रभु है। यीशु मसीह आपका प्रभु है। यही वो पहचान है जो आपको स्वर्ग में एंट्री दिलाती है। यही वो पहचान है जो विश्व की सारी आशीषें आपके लिए संभव बनाती है। दूसरी ऐसी कोई भी पहचान नहीं है जो स्वर्ग में आपकी एंट्री संभव बना सके। दूसरी ऐसी कोई पहचान नहीं है जिसके द्वारा आप विश्व की सारी आशीषों को अपने जीवन में काम करते हुए देख पाओ। तो यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान पे गर्व कीजिए कि मैं यीशु मसीह का हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोली, मैं खुश हूं कि मैं प्रभु यीशु का हूं। बोली, मैं खुश हूं कि मैं प्रभु यीशु का हूं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अचानक से किसी बच्चे को पता लग जाए कि उसके चाचा अंबानी हैं, तो पूरे शहर में गाता फिरेगा, अरे मैं अंबानी का भतीजा हूं, मैं अंबानी का भतीजा हूं। वैसे ही आप खुश रहिएगा कि आप प्रभु यीशु के हैं। प्रेज द लॉर्ड। जोर से चलाइए, बोलिए, मैं खुश हूं कि मैं प्रभु यीशु का हूं। आपको पता, बहुत सारे शैतान आपकी जिंदगी से जैसे जैसे आप बोल रहे थे दूर जा रहे,
क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कहां पे हाथ डालने आए वो। प्रेज द लॉर्ड। ये वो कन्फेशन है, बहुत सिंपल से कन्फेशन है, पर आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोलिए एक बार, मैं खुश हूं। खुश होकर बोलिए, मैं खुश हूं कि मैं प्रभु यीशु का हूं। मैं खुश हूं कि मैं प्रभु यीशु का हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलुसियों 3:1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देख, वो बता रहा है क्योंकि हम प्रभु यीशु के हैं, हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। बहुतों के लिए परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो वचन कहेगा वो मैं करूंगा। मत बन जाएगा दूसरे लोगों की तरह जिनके लिए वचन का कोई महत्व नहीं। अरे छोड़ो ना, चर्च में क्या कहा गया उससे क्या फर्क पड़ता है, हम दुनिया की सुनते नहीं। आप मसीह के हो और आपका काम क्या है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से मत कीजिए, क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं जा रहे। दो लोग जो अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, उनके मोटिवेशन अलग अलग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरा समझ में आ रही। हेलो हेलो हेलो, अभी आप एयरपोर्ट पे जाओ और आप जा रहे थे अफ्रीका और कोई दूसरा जा रहा था यूरोप, और उसने 4 जैकेट पहन रखी। आपने कहा रे ये मेरे पड़ोसी ने 4 जैकेट पहन रखी है, मैं भी 4 जैकेट पहन लूं। अफ्रीका में जाके आप गल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसका रास्ता अलग था, तो उसने अलग तैयारी की थी। यूरोप में ठंड पड़ती है तो उसने 4 जैकेट पहन ली थी, 4 स्वेटर पहन ली थी। पर आपका रास्ता अलग था, आपका रास्ता अफ्रीका का था। आप उस इंसान की तरह नहीं जी सकते, क्योंकि आपको नहीं पता वो कहां जा रहा है। अगर आपने उसकी तरह जीना शुरू कर दिया तो आप अपनी जगह पर परेशान हो जाओगे, वो परेशान नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं और आप उनकी तरह नहीं जी सकते। हमको वो जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हूं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सोच के देखिए, तो मत सोचिए वो पृथ्वी पर लोग आपको सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी पर लोग आपको आपके लिए ताली बजा रहे हैं नहीं बजा रहे हैं। बात यह है कि क्या परमेश्वर आपके लिए ताली बजा रहे हैं, क्या स्वर्गदूत आपके लिए ताली बजा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, क्योंकि रैप्चर बहुत नजदीक है, रैप्चर बहुत नजदीक है। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन को अपना बिस्तर लपेटना शुरू करते हो, कहते हो ओके अब तक मैंने पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया, पर अब मैं बुद्धिमान हो जाता हूं और स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाता हूं। किसी ने कहा ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कोई बात नहीं गई तो हो सकता है आपने पूरी जिंदगी अपने ऊपर मन लगाया, दुनिया पर मन लगाया। पर बाइबल क्या कह रही, ये वो समय नहीं है कि जब आप दुनिया पर मन लगाओ, आप अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। खुश होके बोलिए अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। क्यों? क्योंकि आप किसके हो, यीशु मसीह के। आप यीशु मसीह के हो और परमेश्वर आपसे आशा कर रहा है कि आप अपना मन किस पे लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्माएं जीतना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन को करना आपका मोटिवेशन होने दीजिए। ये चीजें हैं जो आपका मोटिवेशन होने दीजिए इस समय। 10 कुंवारियों की कहानी याद रखिएगा, जिन्होंने सोचा ओ अभी तो उसके आने में बहुत देर है, चलो उनको कुछ और करके आते हैं। और ये वो समय है जब वो कहानी, वो दृष्टांत आपके दिमाग में घुसा हुआ। आप वो बेवकूफ 5 कुंवारियां नहीं निकलना चाहते, क्योंकि रैप्चर कभी भी हो सकता है, 5 घंटे बाद भी हो सकता है, 10 घंटे बाद भी हो सकता है। क्योंकि मुझको और आपको नहीं पता परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है।
परमेश्वर ने कहा जब ये सारा सुसमाचार सुनाया जाएगा, पास्टर क्रिस ने बताया था हमें इसकी सुसमाचार सारे देशों में सुनाया जा चुका है। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर सुसमाचार नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कि आप ये नहीं सोचते कि ओ पता नहीं कब रैप्चर होगा, कभी भी रैप्चर होगा, जिसके लिए आप क्या हो, हमेशा तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड। पर जब बोली रैप्चर के लिए हमेशा तैयार, रैप्चर के लिए हमेशा तैयार, खुश हो गए, रैप्चर के लिए हमेशा तैयार, पक्का, दैट्स गुड। सो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा। आप आत्मिक दिमाग के बनो, सांसारिक दिमाग के मत बनो, जहां पर संसार से ताली बजवाना आपका एम है। होने दीजिए कि आपका नाम किसमें हो, टॉप सेल लीडर में, टॉप पार्टनर में। जब वीडियो बनता है उसमें अपना चेहरा ढूंढिए, सुन रहे हैं ना, ये वो जगहें हैं जहां पर आपको पाया जाना चाहिए। उस वीडियो में आप मन मनाएं कि ओ 30 लोगों का ही चेहरा दिखाते हैं, मैं क्यों नहीं 30 में आ सकता, मैं क्यों नहीं हो सकता, मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा सकता। परमेश्वर के लिए चीजें मैटर करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो हम लोग कम्युनियन सर्विस देखते हैं, कितने लोग देखते हैं कम्युनियन सर्विस, और उसमें जब प्रोमोज आते हैं और कभी इंडिया का नाम आ जाता है या हम में से कोई आता है, हम कितने खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हो? वैसे ही जब वो आपका पिक्चर वहां आती है परमेश्वर खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे खुशी है कि आप बड़े काम कर रहे हो। आपने अपना मन किस पर लगाया है? स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाया है, पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार जी रहे। वचन के बाहर जीना खतरनाक है। बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके ये ढूंढा है कि वचन पर ना चलना कितना गलत है। बहुत से लोगों की शादियां बर्बाद है, बहुत से लोगों के धंधे बर्बाद है। बहुत से, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू नो कुछ महीनों पहले, कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत लगाइए। उसके बाद भी कुछ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। आप कहते हैं पास्टर मैं क्या करूं? मैंने कि एक काम करो, मुझसे ना पूछो ना फोन करो। क्यों? मैंने बता दिया था क्या? बोले अब हम क्या करें? मैंने कि मैं बता रहा हूं, मुझसे बात मत करो, मैंने बताया था। आज जाके देखिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो आगे बढ़ रही, सारी क्रिप्टो करेंसी यहां बर्बादी की कगार। मैंने आपसे पहले कहा, क्योंकि वो बुद्धि है। वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ेगा, पर कैसे रेट बढ़ेगा? ना वो कुछ खरीद रहे हैं, ना कुछ वो बेच रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी कहां से आपको बेनिफिट लाके दे? वो सब दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है जो चला रहे, पर नहीं, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है। ओके, फिर कहेंगे प्रभु प्रभु कहां था? प्रभु वहीं था, आप नहीं थे प्रभु। आपका मन पृथ्वी की वस्तुओं पर लगा हुआ, आप चर्च के संदेशों को नहीं सुन रहे। यहां पे आपको बुद्धि दी गई थी, ओ मैं वैक्सीन से मर गया। ओके, क्योंकि जब चर्च में कहा जा रहा था वैक्सीन मत लो, तब आपने जाके ले ली। तब आप चर्च में नहीं थे, आप चर्च की नहीं सुन रहे। आपको लगा चर्च वालों को ज्यादा नहीं पता है, हमें ही सब पता है। प्रेज द लॉर्ड। पर जो बोले चर्च वालों को ही सब पता है, और सारे चर्च वालों को नहीं, बोले क्राइस्ट एम्बेसी वालों को ही सब पता है। खुश होकर बोली क्राइस्ट एम्बेसी वालों को ही सब पता है। फिर से बोली क्राइस्ट एम्बेसी वालों को ही सब पता है। सही ना? तो मत कहिएगा चर्च वालों को पता, तो दूसरे चर्च वालों ने भी कुछ बोल दिया, वो खुद मास्क लगाए घूम रहे। आज भी कितने पास्टर हैं जो मास्क लगा के प्रचार कर रहे हैं। कितने पास्टर्स को मैं जानता हूं जो रोज फोन करते हैं, पास्टर हमने वैक्सीन ले ली अब क्या करें? मैंने कहा पहला काम करो मेरा नंबर डिलीट कर, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि समझा के अब कुछ होने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कहेंगे पास्टर आइज़ैक ने प्रार्थना की और मैं मर गया। बीड़ी क्यों थी? कोई एक चमत्कार ही है उन लोगों को बचा सकता है जिन्होंने असली वाली वैक्सीन ले ली, और वो चमत्कार भी कहां होगा? यहीं पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार जी रहे होगे तो परमेश्वर भी कहेगा ये सुधर गया है, इसको थोड़ा जीवन दे दो, मुझे पता है मैं क्या कह। और वो इंसान जो वैक्सीन लेने के बाद भी दुनिया के हिसाब से जी रहा है, प्रभु भी कहेगा ओके दूसरे को देखते तो उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा, ना उसने पहले सुनी ना वो अब सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर वो क्या चाहता है? प्रभु उसकी सुने। प्रभु आपकी सुनने से पहले जानता है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मेरी कब सुनेगा? मैंने कि प्रभु आपकी कब की सुन चुका, उत्तर भी दे चुका, अब वो इंतजार कर रहा है आप कब सुनो। समझ में आया क्या? पर बोली प्रभु सुन चुका, प्रभु उत्तर दे चुका, वो इंतजार कर रहा है आप कब सुनो।
सुन रहे हैं आप? और यही यू नो ये जो लिखा है बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी सच्चे धर्म के व्यक्ति को ये बता दे वो कहेगा सच, क्योंकि धर्म जिस दिन परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला, आपको पता है कि वहां पर एक लटकती हुई जलती हुई तलवार आ गई और वहां पर क्या आ गए, स्वर्गदूत आ गए और स्वर्गदूतों को आदेश दिया गया कि आदम और कोई भी मनुष्य उस उपस्थिति में वापस ना जाए। तब से लेके मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, उस उपस्थिति में वापस जा। और ये कारण है विश्व के हजारों धर्मों, जिसको जिस तरीके से समझ में आया कि मैं उस उपस्थिति में वापस जा सकता हूं, उसने वो तरीका बना लिया। सोच के देखिए लोगों का अंधकारपन। यू नो गौतम बुद्ध जी ने कहा मैं सच्चाई की खोज में हूं। क्या कहा उन्होंने? क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या पढ़ा ना स्कूल में, कितने पढ़ा है? क्या बोला गौतम बुद्ध जी ने, मैं सच्चाई की, क्या उन्होंने कहा मुझे सच्चाई मिल गई? हेलो, क्या गौतम बुद्ध जी ने कभी कहा मुझे सच्चाई मिल गई? पूरी बुद्ध संहिता पढ़ लीजिएगा, गौतम बुद्ध जी ने कहीं नहीं कहा कि मुझे सच्चाई मिल गई। तो उनके पीछे जो चल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहां जाएं, क्योंकि जिसके पीछे वो चल रहे हैं उसने भी कभी नहीं कहा मुझे सच्चाई मिल गई। फिर वो लोग दोष लगाएंगे, ओ हम गौतम बुद्ध जी के पीछे गए। गौतम बुद्ध जी ने भी नहीं कहा मेरे पीछे आओ, क्योंकि उन्होंने कहा मैं सच्चाई की खोज में हूं, उन्होंने खुद ही नहीं कहा मुझे सच्चाई मिल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत से लोग हैं उन निर्णयों को ले लेते हैं जो सामने वाले भी नहीं लिए, जो उन्होंने खुद नहीं लिए। प्रेज द लॉर्ड। पर जब बोली स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में मत रहो। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे सच्चाई मिल गई। उन्होंने कहीं पूरी जिंदगी में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा मुझे सच्चाई मिल गई। वो पूरी जिंदगी सच की खोज में रहे पर उन्हें सच कभी मिला नहीं। तो मुझे नहीं पता जो उनके पीछे चल रहे हैं वो क्या पाएंगे, क्योंकि जिस जो आगे वाला है उसी को कभी सच नहीं मिला। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं केवल एक सच्चाई बोल रहा हूं जो इतिहास में आपको मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बहुत से लोग हैं जो इस उपस्थिति में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ध्यान रखिए केवल प्रभु यीशु ही है जो आपको उस उपस्थिति में ले जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। कौन सा मार्ग? जो मार्ग दुनिया ढूंढ रही थी परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाने का, वो मार्ग कौन है? यीशु मसीह। सत्य, दुनिया जो सत्य ढूंढ रही थी, यीशु मसीह ने क्या कहा? वो सत्य मैं ही हूं। और इंसान जो जीवन का उद्गम ढूंढ रहा है, यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक वस्तु जो आज तक विज्ञान नहीं खोज पाया है वो है कि जीवन कहां से शुरू हुआ, जीवन कहां से शुरू हुआ। और क्योंकि उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने कुछ तो बोलना था, कुछ तो बोलना था, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो लोग उन पर शक करेंगे। तो उन्होंने कुछ तो बोला, बोले ऐसा लगता है कि हम बंदरों से आए। पर बंदरों से आए तो बंदर अभी तक क्यों? और क्या आपको नहीं पता है कि इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन की वो बात करते हैं, उस इवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं उसमें अरबों साल लगते हैं, अरबों साल। एक इवोल्यूशन में अरबों साल लगते हैं। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कितने अरबों साल पहले जिंदगी बनी? वो कहते हैं अमीबा एक कोशिकीय, फिर क्या था? दुई कोशिकीय। कितनों ने पढ़ी विज्ञान? नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पर समझने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, सही ना? उन्होंने कहा पहले एक कोशिका वाला मानव प्राणी बना, और वो भी क्या बना पता नहीं कैसे बना, उसमें भी उन्होंने कुछ चूची 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 करी, बोले एक कोशिका वाला भी अपने आप बन गया, चलो मान लिया। फिर एक कोशिका से क्या बना? दुई कोशिकीय। दुई कोशिकीय से क्या बना? बहुकोशीय। बहुकोशीय से बना ये, मतलब कि एक एक। और वो खुद बता रहे थे कि एक से दूसरे में क्या लगे अरबों साल। तो भैया सृष्टि कब शुरू हुई? तो आप उन चीजों में मत फंसिए। ये जो बाइबिल कह रही है उस पे दिमाग लगाइए। बाइबिल क्या कह रही है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। पर जो बोली स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ,
सुन रहे हैं आप, जैसे मैंने आपसे कहा आपका फोटो कहाँ आना चाहिए उस पार्टनरशिप वाले वीडियो में, आपका फोटो कहाँ आना चाहिए टॉप सेल लीडर में, यहां पर आपके नाम आने चाहिए। ये वो आपकी जिंदगी का उद्देश्य है कि मैं इनमें कब पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं मर गया हूं और मेरा जीवन मसीह के साथ छुपा हुआ है। सोचिए आप कितने सुरक्षित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इससे ज्यादा सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जीवन किसमें छुपा हुआ है? मसीह में। ये उसकी तरह है बैंक का वॉल्ट, बैंक का लॉकर। यू नो, आप अपना पैसा घर में नहीं रखते हो, सोना कहाँ रखते हो? बैंक के लॉकर में, क्योंकि आपको पता है आपके घर में चोर घुसेंगे, आपके पास बंदूक नहीं है, पर बैंक में चोर नहीं घुसेंगे, बैंक में बॉडीगार्ड है। आपको अपना पैसा क्या लग रहा है? सुरक्षित, क्योंकि आपका पैसा कहाँ रखा हुआ है? बैंक के लॉकर में। बाइबल क्या कह रही है? आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, मौत का मेरे अंदर कोई डर नहीं है। तो आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है, सही है? मौत से मत डरेगा, क्यों? क्योंकि आपका जीवन किसमें छिपा हुआ है? मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जैसे वो नहीं पिक्चर देखते थे हातिम ताई, पुरानी पिक्चर थी पाताल भैरवी, अब तो पता नहीं वैसी पिक्चरें आती नहीं है, कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी वाली है ना, बहुत पुरानी वाली, जिसमें होता था कि वो शैतान को मारना है तो शैतान का कहाँ हृदय कहाँ छुपा हुआ था? किसी लोक में चिड़िया के अंदर। चिड़िया को मारोगे तो शैतान मरेगा। कितने देखी वैसे पिक्चर? कुछ नहीं देखी तो आज देख ली ना मेरी आंखों से थोड़ी बहुत। तो वही वो बता रहा है, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। खुश होगी, बोली अच्छी चीज बता, बोली मैं सुरक्षित हूँ। क्योंकि दुनिया वाले कह रहे, अरे भैया जिंदगी का क्या भरोसा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ। बोली मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भरोसा है, मेरा, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो आप उनकी तरह बात करने की जरूरत नहीं है, जो आया है वो जाएगा। भैया जी देखो, पैदा हुए हैं तो मरेंगे, तो मौत से बढ़कर कोई सच्चाई नहीं, मतलब मौत सच्चाई ही नहीं है। आपको पता है मौत से बड़ा झूठ कोई नहीं, क्योंकि मौत होती ही नहीं है। मौत क्या है? एक फेज से दूसरे फेज में चेंज। जैसे पानी है, कितनों को पता पानी, कभी किसी ने पानी उबाला, क्या हुआ? उबाला, ढक्कन हटा दी तो क्या हुआ? पानी था या नहीं था? तो पानी मर गया। हेलो 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 हेलो, कितनों ने पानी उबाला? कुछ देख समझ ही, समझ रहे हैं? चाइना में तो बात नहीं कर रहा हूं, मुझे लगा मैं भारत में प्रचार कर रहा हूं। पानी उबाला आपने तो पानी क्या हुआ? भाप बन गया। तो पानी मर गया? पानी मर गया या है? वैसे ही मौत कुछ भी नहीं, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा क्या है? बस शरीर बदल रही है, पर मौत नहीं हुई। तो पता नहीं लोगों को मौत का डर है ही क्यों? जैसे पानी उबाला, पानी मरा नहीं, वैसे आप क्या हो? आत्मा हो, आप मरोगे नहीं। अगर आप यीशु में विश्वास करते हो तो आप स्वर्ग जाओगे, और यीशु में विश्वास नहीं करते हो तो नरक जाओगे। मरने वाले नहीं हो आप, आप मरने वाले नहीं, क्योंकि आप क्या हो? आत्मा हो। जिसको लोग मौत कहते हैं वो वास्तव में क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलाव। जैसे पानी उबाला, पानी क्या बन गया? भाप। पानी बन गया भाप, सिंपल। तो आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप सुरक्षित। बोलिए मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, हालेलुया। रोमियो 6:9-11 रोमियो। बोलिए मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि यह जानते हैं बॉय, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। सोच के देखिए, वो एक लॉजिक बता रहा है, वो बता रहा है कि मसीह क्या हुआ। हमने सीखा था यीशु मसीह मरा, और यीशु मसीह क्या हुआ? मरों में से जिंदा हो गया। तो बाइबल कह रही है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर मसीह पर कभी मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, तो मुझ पर और आप पर भी कभी मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मौत की मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं है। खुश होके बोली, इतनी अच्छी चीज बोल रहा हूं, खुश होके बोली, मौत की मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं है, मैंने मौत को हरा दिया है।
अगर बाहर जाके आप ये चिल्लाने लगे लोग आपको पागल समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना मुश्किल काम है, पर हमने आसानी से कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही हमने कहा यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है, हमने क्या किया, मौत को हरा दिया। हालेलुया। और हमने मौत को ऐसा हराया है कि मौत हमारे ऊपर कभी आ भी नहीं सकती। हालेलुया। बोली मौत मेरे ऊपर कभी नहीं आ सकती, मैंने मौत को हरा दिया है, मौत की मेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित। वो बता रहा है कि हम पाप के लिए मर गए। बोली मैं पाप के लिए मर गया। खुश होगी, बोली मैं पाप के लिए मर गया। बहुत से लोग जब गलती करते तो लगता है वो गलती कर रहे हैं इसलिए वो गलत है। नहीं, कभी मत सोचिएगा कि आपने पाप किया तो आप पापी हो। आप पाप के लिए मर गए। बोली मैं पाप के लिए मर गया हूं, मैं पाप के लिए मर गया हूं। ये होता है ना, जैसे एक बार कोई बच्चा उल्टी सीधे काम करते तो मम्मी पापा कहते आज से मैं तेरे लिए मर गया। और पिताजी रहते हैं, बच्चा भी रहता है, पर उनका संबंध क्या हो गया, मर गया। तो वैसे ही पाप वहां हो सकता है, पर आप पाप के लिए क्या हो गए हो, मर गए। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, मैं कभी भी नरक में नहीं जाऊंगा। खुश होकर बोली मैं कभी भी नरक में नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन मसीह में, परमेश्वर में छुपा हुआ है। ग्लोरी। सुनो, तो ये वो चीजें जो आप सुबह शाम बोलते हो, जब दुनिया आपको डराने की कोशिश करती है, ये चीजें आप बोलते हो, मैं नरक में कभी नहीं जाऊंगा, मैं पाप के लिए मरा हुआ हूं, मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए नेक्स्ट। ओके, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। बता रहा कि तुम्हें क्या करना है, आपको क्या करना है। आप पाप के लिए क्या हो, मरे हुए। आप झूठ के लिए मरे हुए हो, नफरत के लिए मरे हुए हो, ईर्ष्या के लिए मरे हुए हो, व्यभिचार के लिए मरे हुए हो, आप उन चीजों के लिए मरे हुए। अपने आप को उन चीजों के लिए क्या देखिए, मरा हुआ। मत कहिए हो वो गलत काम करने की इच्छा मेरे अंदर पैदा हो रही है। नहीं होनी चाहिए। आप उस इच्छा को वहीं पर मार सकते हो, क्योंकि सच्चाई यही है, आप उन चीजों के लिए मर गए। अब वो चीजें आपको खींच नहीं सकती। तो मत सोचिएगा वो पास्टर सच्चा जीवन जीने में बड़ी परेशानी होती है। नहीं होनी चाहिए। उन चीजों के लिए आप मर गए हो। आप मसीह का जीवन आसानी से जी सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं मसीह का जीवन जी सकता हूं। मसीह मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मैं पाप के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मरा हुआ हूं। कितना सरल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वर्स 4, कोलोसियंस 3 वर्स 4, मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वो चीजें हैं जो आप, जिस पर आपको बनन करना है। आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब ये आपका शरीर क्या बन जाएगा, नया शरीर। बाइबिल कहती है ये नश्वर अमरता को पहन लेगा। पलक झपकते ही हमारे शरीर बदल जाएंगे। अभी हमारे शरीरों से वो महिमा दिखाई नहीं दे रही है जिस तरीके से महिमा दिखाई देनी चाहिए। कोई काला दिखाई दे रहा है, कोई बुढ़ा दिखाई दे रहा है, किसी के दांत इधर उधर हैं, किसी का वैसा है, पर बाइबल बता रही है ये सब नहीं होगा। हम सब क्या दिखाई देंगे, महिमा से भरे हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब क्या दिखाई देंगे, सुंदर। ग्लोरी। सुन रहे, ये वो चीजें जिस पर आप मनन करते रहते, कि ओ जब मसीह जो मेरा जीवन है प्रकट होगा, तब मैं भी उसके साथ महिमा सत प्रकट किए जाऊं। ये है जिसकी आप आशा कर रहे हो, ये है जो आपको सुबह से शाम तक उत्साहित रखता है। आप दुनिया की चुनौतियों से चुसे हुए आम की तरह नहीं जी रहे हो, आप इसको देखकर भरे हुए तरबूज की तरह जी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। सही है ना, ये चीजें हैं। अगर इन चीजों को आप देखोगे तो आप उदास नहीं होगे, आपके जीवन में क्या रहेगी, आशा। प्रेज द लॉर्ड। पर जब तक आप अपने आप को दुनिया में देखोगे और दुनिया की वस्तुओं को देखोगे, आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं है। परमेश्वर बता रहा है कि आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, मसीह पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोले मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं। सुन रहे हैं आप, बोले मैं मसीह में हूं। ये सच्चाई आपकी जिंदगी बदल सकती। जब तक आप इस सच्चाई में जी रहे हो, कोई भी बुरी वस्तु आपके साथ नहीं होगी। परेशानी तब होगी जब आप इस सच्चाई के साथ नहीं जी रहे। परेशानी तब होगी जब आप इस सच्चाई से बाहर निकल के जीना शुरू कर दो।
तो बहुत से मसीहों के साथ होता है, बोले पास्टर हमारे साथ परेशानी हो रही क्योंकि आप सच्चाई से बाहर निकले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर में चोरी नहीं करते थे, घर में बुरे काम नहीं करते थे, पर क्योंकि गलत आदमी से शादी कर ली वही लोग अपने घर में चोरियां करने लगे, अपने घर वालों से झूठ बोलने लगे और उन्हें नहीं पता ये परेशानी कहां से शुरू हुई, क्योंकि परमेश्वर उनसे कह रहा था कि ओ गलत व्यक्ति से शादी मत करो, पर वो इतने उत्साहित थे, मसीह उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? एक पत्नी और एक पति। वो उत्साहित थे पति के द्वारा, ओ मेरा सुंदर पति, ओ मेरा सुंदर पति। कोई भी व्यक्ति जो मसीह से प्रेम नहीं करता है आपसे कभी सच्चा प्रेम नहीं कर पाए, ये एक छलावा है, अपने आप को छुड़ा लीजिए। अगर आप जवान है शादी नहीं हुई है तो हर वो व्यक्ति जो मसीह से प्रेम नहीं करता है वो आपसे 100 बार बोल सकता है मैं आपसे प्रेम करता हूं, पर उस लाइन में कोई प्रेम नहीं। ना वो लड़की अपने पति से प्रेम कर सकती है और ना वो पति, ना वो लड़का अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता है। जो अपने प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता वो इंसान से क्या प्रेम करे? जो प्रभु उसको जीने के लिए जीवन देता है उस प्रभु से ये मनुष्य प्रेम नहीं कर पाया, मनुष्यों से क्या प्रेम करेगा? तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, बोले ओ हमारी आशा टूट गई, हमारी पत्नी ने हमें धोखा दे दिया, ओ हमारी आशा टूट गई, पति ने धोखा दे दिया। आपने आशा वहां लगाई क्यों थी? आपको पता ना अगर ये पति विश्वासी नहीं है ये धोखा देगा, तो बेटर है आप अपना विश्वास किसमें लगाना शुरू करो? मसीह यीशु। आपने वहां पे आशा ही क्यों की? क्योंकि वहां पर कोई आशा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो हम एक गाना गाते हैं, इन्हें बहुत दिनों से नहीं गाया, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है। तो खैर आज मुझे पता है आगे नहीं गा पाएंगे तो बैठ जाइए, बट ये वो चीजें हैं जो आपको उत्साहित कर ली जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु में आशा है, पड़ोसी बोली यीशु में आशा है, यीशु में आशा है। तो अगर आपने अपनी आशा यीशु के बाहर किसी वस्तु पर लगाई है तो वो खतरनाक आशा है जिसको निराशा में बदलने में समय नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी आशा किस पर लगाइए? यीशु मसीह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वर्स 5। अब यहां से एक नया सेगमेंट शुरू हो गया। यहां पर हमने जो 4 वचन थे उसमें हमने सीखा कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ और वो सारी चीजें सीखी। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि कैसे संसार की अभिलाषाओं को मार डालना, कैसे उनको अपनी जिंदगी से काट देना। उसने पहले बताया कि तुम उन चीजों के लिए मरे हुए हो, तुम्हारा उनका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो उसने कहा इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर। बता रहा है वो क्या क्या मूर्ति पूजा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं AMPC से ताकि और समझ पाए। इफ देन सो किल डेडन डिप्राइव ऑफ पावर द इवर डिजायर लर्किंग इन योर मेंबर्स दोज एनिमल इम्पल्सिस एंड ऑल दैट इज अर्थली इन यू दैट इज एम्प्लॉयड इन सिन। वो बता रहा है मार डालो उन चीजों की ताकत को, खत्म कर दो उन बुराई की इच्छाओं को जो तुम्हारे अंगों में घूमती रहती हैं, वो जानवर की इच्छाएं जो तुम्हारे अंदर घूमती रहती हैं, जो पाप में फंसी हुई हैं, वो क्या कह रहा है उनको मार डालो। पड़ोसी बोली मार डालो, बोली मार डालो। कितनों को पता है मार सुनाई दे रहा, बोली मार डालो। अभी कभी कभी हमने पिक्चर में देखा है कि एक आदमी हॉस्पिटल में पड़ा होता है, गुंडे ने उसको मारा और फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, पर क्योंकि गुंडा उसको मार डालना चाहता है तो वो फिर से किसी को भेजता है और क्या निकाल देता है? ट्यूब। कितनों समझ में आ रहा है? हेलो, है क्या? क्योंकि ट्यूब से क्या हो रहा था, वो ग्लूकोज आ रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है, ऑक्सीजन आ रही होती है, पर वो क्या करता है उन चीजों को काट देता है। बाइबल यही कह रही है वो सारी वस्तुएं, वो सारी जगहें जहां से पाप तुम्हारे जीवन में आता है उनको क्या कर दो, काट। उन दोस्तों को काट दो, उन मूवी को काट दो, उन जहां से क्या आ रहा है ये पाप करने की इच्छा तुम्हारे अंदर वापस आ रही है, उन कनेक्शन को, उस ट्यूब को काट डाल, उनको देखना बंद कर दो। सिंपल, क्योंकि वो बता रहा है कि ये चीजें तुम में क्या डालेंगी, पाप डालने की कोशिश करेंगी। तुम क्या हो गए हो? पाप के लिए मर गए हो, पर तुम सुनिश्चित करना चाहते हो कि कभी उस जिंदगी में वापस ना जाओ, तो क्या करो, काट दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही वो कारण थी जब मैं मसीह बना,
मैंने वो सारे दोस्त छोड़ दिए, सारे, क्योंकि मुझे अपना जीवन चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि इन दोस्तों के चक्कर में और उन लोगों के रिश्तेदारों के चक्कर में जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ये मुझे वापस ले जाए, क्योंकि बार बार ये आपको याद दिलाएंगे, अरे बेटा घर तो बना नहीं तुम्हारा, कब घर खरीद रहे हो। उनको नहीं पता घर खरीदे वाले भी फंसे हुए हैं, हम नहीं फंसे हुए। प्रेज द लॉर्ड, कब घर खरीद रहे हो। मुंबई में घर खरीद के किसको अपना दिमाग खराब कर, 50,000 रुपए कमाओ, 5 करोड़ का घर ले लो, हो गया कल्याण। अब हड्डी भी बेच लोगे तो EMI ना पे कर पाओ। पर वो बार बार आपको याद दिलाएं और आपको बार बार बुरा लगेगा कि आप मसीह में हो और कितने गरीब। तो वो क्या कह रहा है, इन सारी चीजों को काट डाल। अभी नहीं चाकू लिया के सारे रिश्तेदारों को मार डाल। बोले आज पास्टर ने बोला काट डालो, मैंने ऐसा नहीं बोला। वो क्या कह रहा है, उनसे संबंध क्या करो, दूर कर लो, ताकि वो तुम में अपनी अपनी बुद्धि झोंक ना पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या, कितने लोग हैं। वो कह रहा उनको अपने से दूर कर दो, उनको उन रिश्ते को काट दो। ये नहीं घर जाकर ना, मम्मी तू आज से मेरे लिए मर गई, पापा तू मेरे, ये मैं नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा, इन चीजों को काट डालो, इनको अपने अंदर सप्लाई मत देने दो। प्रेज द लॉर्ड, sexual vice, impurity, sensual appetite, unholy desire, all greed and covetousness, for that is idolatry. वो बता रहा है केवल मूर्ति के सामने बैठना ही मूर्ति पूजा नहीं। वो बता रहा है कि किन चीजों को परमेश्वर मूर्ति पूजा कहता है, व्याभिचार, लोभ, झूठ, इन चीजों को भी बाइबल क्या कह रही है, मूर्ति पूजा। पढ़ लीजिए, मां चलिए पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। समझ में आ गया, बहुत से लोग कहते हैं कौन से अंगों को मार डालो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो अंगों को मार डालने का मतलब क्या है, वो सप्लाई जो तुम्हारे अंगों में आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, कितने मेरी बात समझ में आ रही है, सप्लाई हमने एम्पलीफाइड में देख लिया उसका मतलब क्या है। इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर। दूसरे की बीवी सुंदर है, आप कह रहे हो मेरी वाली सुंदर नहीं, कौन सी दुष्टता में आओ। बहुतों को दूसरे की बीवी सुंदर लगती, अपनी कभी सुंदर नहीं लगती। बहुतों को अपने बच्चों से नफरत, दूसरे के बच्चे ही उनको अच्छी लगते। वो कह रहा है ये दुष्कामना है। प्रेज द लॉर्ड, पर बोली दुष्कामना। नो, किसी ने कहा मैं 10वीं पास हूं पर मेरा मन है कि मेरी शादी इंजीनियर से हो जाए, मेरी दुष्कामना है। हालेलुया। तो कह रहा व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा का लोभ बहुत बड़ा है। अगर परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता ना करे तो इंसान लोभ से ना छूटता। लोभ और घमंड दो एक ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप रोज बोल सकते हो कि प्रभु मेरी सहायता करो कि ना तो मैं घमंडी बनूं और ना मैं लोभी बनूं। ये वो दो चीजें जो इंसान के अंदर बहुत आसानी से आ जाती। आप थोड़ा पढ़ लिख लेते हो, आपको घमंड आ जाता। आपके पास थोड़ी नई चीज आ जाती है, आपके पास घमंड आ जाता। आप दूसरे को अपने से नीचा समझने लगते, देखो ना हम कितने खुश हैं, ये लोग बर्बाद हैं। ये घमंड है, लोभ। क्यों, मेरा घर अच्छा नहीं है, इनका घर अच्छा है, लोभ। ये तो वो कामनाएं जो लोगों में बहुत जल्दी आती है। अगर पवित्र आत्मा आपकी सहायता ना करे तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कब आप घमंडी हो गए और कब आप लोभी हो गए। तो इन चीजों को आपको अपने अंदर से काटना है। प्रेज द लॉर्ड, इनकी सप्लाई काटना है। आपके अंदर नहीं है, बोले इनकी सप्लाई काटना है। यही कारण है आप क्या करते हो, हर एक की सफलता से खुश। प्रेज द लॉर्ड, बोली मुझे हर एक की सफलता से खुशी है। खुश होकर बोली मुझे हर एक की सफलता से खुशी है। बोली हर एक की सफलता से खुशी है। तो जब दूसरा सफल हो रहा है आप क्या हो रहे हो, खुश। प्रेज द लॉर्ड, दूसरे की सफलता से जलिए मत सोचिए दूसरा सफल हो रहा है तो आप हार रहे हो। नहीं, हो सकता आप अपनी किताब के दूसरे पन्ने पर हो। और कितने लोग स्कूल गए, स्कूल में था ना 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, कितने थे, ऐसे ही थे ना स्कूल। तो अगर आप 6वीं में थे और 12वीं का बच्चा सफल हो रहा था तो आपको फर्क पड़ रहा था क्या, बोले अपन 6वीं में, 12वीं वाले से अपने को क्या लेना देना। तो हो सकता आप अपनी जिंदगी के 6वें क्लास में हो और दूसरा जिंदगी के 12वें क्लास में। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो रहे। दूसरे की सफलता देखिए कभी मत जलिए, दूसरे की सफलता का उत्सव मनाइए, क्योंकि जिस चीज का आप उत्सव मनाओगे वो चीज आपके पास जल्दी से आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जिस चीज से आप जलोगे वो चीज आपके पास कभी नहीं है।
तो अगर आप दूसरे की सफलता से जलोगे, ये सफलता आपको कभी दिखाई नहीं, कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इससे आप जल रहे, आप इससे जल रहे। जैसे जैसे ये पास आती जाएगी, आपके अंदर जलन बढ़ती जाएगी। तो किसी की भी सफलता से जलने की जरूरत नहीं, किसी की भी सफलता से परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरा सफल हो रहा है तो परमेश्वर का आनंद, वाह ये सेल लीडर सफल है तो मैं भी सफल हो सकता हूं, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं, ये वाले सेल लीडर सफल हैं क्योंकि पास्टर इनको ज्यादा ही महत्व देते हैं। ये आप जल रहे हो, आप जल रहे हो, परमेश्वर ने आपको जलना नहीं सिखाया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बोलिए मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, हालेलुया। नेक्स्ट जल्दी पढ़ते हैं, छठा सातवां आठवां। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किन वस्तुओं के कारण? इन वस्तुओं के कारण, जब लोभ में फंसे हुए, व्यभिचार में फंसे हुए, परमेश्वर का कोप उन पर फैल रहा है। नेक्स्ट, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। वो बता रहा है कि हम जब नए जन्मे नहीं थे तो इन्हीं चीजों के अनुसार जीते थे, अब हमें इनके अनुसार जीने की जरूरत नहीं है। ये चीजों को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें इनके अनुसार नहीं चलना चाहिए। मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, इसको मुझसे नफरत है, कोई बात नहीं, उसको आपसे नफरत है, आप उससे नफरत मत करो, उसके साथ चलो, आप चलो, आप, क्योंकि दूसरा आपसे नफरत करता है, इसका मतलब नहीं आप भी दूसरे से नफरत करो। दूसरे ने आपकी बुराई की है, इसका यह मतलब नहीं आप भी दूसरे की बुराई करो। वो बता रहा है इस तरह की जिंदगी मत जियो, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। सो थैंक गॉड, मैंने कहा ना ऐसा लगता है कि भारत वालों के लिए लिखा था। बोले नहीं, गालियां बकना तो हमारी संस्कृति है, बको गाली, बको जाके। कुछ लोगों की जिंदगी इसीलिए बर्बाद है क्योंकि उन्होंने गालियां बकना बंद नहीं की, बाकी सारा अच्छा काम कर रहे, बस सुबह से शाम तक, सुबह उठते हैं शाम तक 500 गाली बकेंगे, उन्हें लगता ही नहीं है कुछ गलत कर रहे, क्योंकि उन्होंने बाइबल कभी पढ़ी ही नहीं। उन्होंने कहा सुन, अरे यू नो, अभी गुस्से को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गालियां, नहीं तो मैं मार डालता, गालियों से ही काम चला रहा हूं। पर बाइबल कह रही मत चलाओ, पढ़ी बोले गालियों से काम मत चलाओ। कुछ लोग इतने इतने उदास हो गए कि आज करेंगे क्या घर जाके, कुछ लोग के तो शब्द ही नहीं होंगे बोलने के लिए, कि कुछ लोग शब्द जीरो हो गए, वो गालियों से ही बात करते। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। सिंपल, वो बता रहा है कैसा जीवन जियो, तुम मत जियो उनकी तरह, जिनको बकना बकने दो। अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो उनके साथ दोस्ती करना बंद कर दो, गालियां बकते, क्योंकि जब तक आप वो गालियां सुन रहे हो आपके अंदर भी क्या होगा, गालियां सुनने की इच्छा, गालियां बोलने की इच्छा, तो काट दो। पड़ोसी बोले काट दो, लोगों को मत काटो, सही है, इन चीजों को अपने अंदर आने से रोको, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, एक दूसरे ये बहुत ही मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। पड़ोसी बोले एक दूसरे से झूठ मत बोलो, खुश होकर बोली, बोले एक दूसरे से झूठ मत बोलो, कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे एक दूसरे से। पड़ोसी बोले एक दूसरे से झूठ मत बोलो, कितना सरल, तो आपको लगता रहेगा नहीं पास्टर उस झूठ का क्या, जिससे किसी की जान बच जाती, मैंने आपकी चली जाएगी उसका क्या। थोड़ा तो मेरा ऐसा ही दिमाग है वकील वाला ना, किसी ने मुझसे पूछा एक दिन, उस झूठ का क्या जिससे जान बच जाती, मैंने कि आपकी जाएगी इसकी गारंटी, आप कौन सा बोलना चाहते हो कि नहीं बोलना चाहते, पूछ रहा हूं दूसरे की जान बचाने के चक्कर में अपनी देना चाहते हो तो दो भाई जाते, फालतू फंड की बातों में मत फंसे। जिस झूठ से, वो बचपन वो किताब पढ़ ली थी, झूठ से जान बच जाए वो झूठ अच्छा होता है, मतलब बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ऐसा कहती है। अब इसका मतलब नहीं झूठ मत बोलो का मतलब है अपने आप से सब कुछ बता दो, प्रेज द लॉर्ड, सही है ना। बोले पापा हैं घर पे, बता दिए पापा मंडे को यहां गए थे, ट्यूजडे को यहां गए थे, झूठ नहीं बोलने को कहा था, ये थोड़ा कहा था सच्ची अपनी पत्री खोल के रख दो, हमारे घर में 2 लाख रुपए रहते हैं इस वाली सेफ में और वहां रहते हैं, यहाँ पे चाबी रखी, ये तो ना बोलो। कुछ लोग पागल हो जाते, बोले झूठ झूठ ना बोलने को मना किया, ये नहीं अपनी सारी पोल खोल दो सामने, प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा, है क्या, कितने समझ रहे हैं,
समझ में आ रहा है क्या? तो अभ्यास करेंगे बाकी पवित्र आत्मा सिखा रहे, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो बता रहा है कि तुम क्या हो गए हो, तुमने उन चीजों को उतार दिया है। जैसे कपड़े पहनते हो, क्या कह रहा है, तुमने उसको उतार दिया है। अभी तुम्हारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम उन चीजों को, तुमने उनको हटा दिया है, तुम उनके लिए मर गए हो। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी जल्दी से, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो बता रहा है कि हम क्या हो गए, हमने उन चीजों को उतार के फेंक दिया है और हम किसमें आ गए हैं, नए हो गए हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो पापा की तरह दिखता तो है पर पापा की तरह बुद्धि में काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो पापा की तरह व्यस्क नहीं है। पापा की तरह दिखता है, पापा का चेहरा उसका है, लड़की का चेहरा मम्मी से मिलता है, पर मम्मी जैसी बुद्धि की बातें लड़की नहीं कर पा रही है, पापा जैसी बुद्धि की बातें लड़का नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसको बढ़ना बाकी है। यही वो कह रहा है दसवें में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप इन चीजों को जानते जाते हो, आप क्या बनते जा रहे हो, परमेश्वर के अनुसार बनते जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, जब आप इन चीजों को छोड़ रहे हो, उस झूठ बोलने को छोड़ रहे हो, उस व्याभिचार को छोड़ रहे हो, आपको नहीं पता है आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, आप किसकी तरह बनते जा रहे हो, परमेश्वर की तरह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की तरह। जो आप कहते हो लोग मान लेते हैं। कल रात हम आ रहे थे कहीं से, तो टैक्सी ढूंढी हमने, तो टैक्सी वाले ने बोला 800। मैंने कहा नहीं, 500 होता है। तो अगली टैक्सी पास के मैंने कितना, कहता 500। अपने आप रास्ते मुझे समझ में आया 500 कम थी। मैंने कहा मैंने तो उससे नहीं कहा था, पर मुझे पता था मैं क्या कर रहा था। मैं खड़े होकर 500 बोल रहा था, मेरे स्वर्गदूत किसी को जाके बोल रहे थे सेठ को 500 में चाहिए, सेठ को 500 में चाहिए। आपके शब्दों की वैल्यू अलग हो जाए, जो आपको चाहिए वो हो जाता। क्यों? क्योंकि आप किसी तरह होते जा रहे हो, परमेश्वर की तरह। स्वर्गदूतों को भी आपकी इच्छा पता लग जाती है और वो दूसरों को आपकी इच्छा करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, बाध्य। बाध्य। आपकी जिंदगी चमत्कार हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अन्य भाषाएं बोलिए, बोलिए मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मौत से नहीं डरता, मौत का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं पाप के लिए मरा हुआ हूं और परमेश्वर के लिए जीवित हूं। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे सर से लेकर पांव तक परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं जीवन से भरा हुआ हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर जा सकते हैं, महिमा महिमा। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं, जोर से हम ताली बजाएंगे आपके लिए। कौन आया पहली बार? ओके, सो इस यीशु को ग्रहण कर लीजिए जिसके बारे में आपने सुना है। और अगर आप पहली बार आए किसी भी सेंटर में तो ये आपका मौका है यीशु को ग्रहण करने का, सही है? तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलेगा, अपने हृदय में विश्वास करके बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं, आज से मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, आज से मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, और जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। प्रार्थना करेंगे हम इनके लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारे बच्चों के जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। हाँ प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मैं इनको आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ, ये आशीषित है प्रभु यीशु के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं और जोर से इनके लिए फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। और अगर कहीं पे आप देख रहे हैं, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर होंगी, प्लीज हमें बताइए कि आपने अभी अभी यीशु को अपना जीवन दिया है।
Praise the Lord. ये समय अपनी भेंट अपना दशमांश अपनी पार्टनरशिप देने का ओ धन्यवाद प्रभु इस भेंट को लाने का अवसर बुद्धि ज्ञान अनुग्रह देने के लिए ये भेंट आपके आत्मा द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे ही आपके बच्चों ने दिया है बड़ी हुई फसलें तक तेजी से आ रही है ये सही निर्णय ले रहे हैं सही चीजों पर इनका दिमाग है प्रभु धन्यवाद देते हैं धन्यवाद धन्यवाद इन बेटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं आपके राज की बढ़ोतरी के लिए थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं ओके तो अनाउंसमेंट है ध्यान से सुन लीजिए ऑनलाइन चर्चेस बहुत जरूरी हैं हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं करीब 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं करीब नहीं पूरे करीब क्या होता है 36 तो 36 ही होता है 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं इनको यूज कीजिए हर भाषा में है यानी पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाएं और चर्च चला सकते हैं क्योंकि आपके पास वो भाषा है उस भाषा में चर्च है उस भाषा में रैप्सोडी है और क्या चाहिए क्या रैप्सोडी का ऑडियो भी कितने को पता है रोज आता है ना ऑडियो भारत की 15 भाषाओं में रोज रैप्सोडी आती है और रोज ऑडियो आता है तो ऐसा कोई भी नहीं इन 15 के बाहर तो कोई भी नहीं है क्या कितने को पता है तो आप हर एक को भेजो चिल्ड्रन चर्च भी है वो भी है संडे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग वेनेसडे को जो होती है इसको मिस मत कीजिए मैंने कहा ना कुछ दरवाजे कहाँ खुलते हैं वेनेसडे में कुछ कहाँ खुलते हैं कुछ कहाँ खुलते हैं मंडे को तो हर दिन अलग अलग तरह के दरवाजे खुलते हैं समझ में आ गया आपको तो आपके ऊपर कौन से दरवाजे में जाना है उसी दिन खुलता है बाकी दिन क्या रहता है बंद तो बहुत से लीडर जो उन मीटिंग को अटेंड नहीं करते वो वहीं रहते क्यों क्योंकि जिन दरवाजों को खुलना चाहिए था उन दरवाजों में कभी घुसे ही नहीं जो खुले थे सो बुद्धिमान बन जाइए PCDL सब्सक्रिप्शन पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी पास्टर क्रिस से डायरेक्ट सुनिए एक महीने का सब्सक्रिप्शन ₹200 इन चीजों में पैसे लगाइए सही नेटफ्लिक्स और वो घर का केबल का कनेक्शन लेके कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा छलावा है पर इसमें क्या मिलेगा आपको ज्ञान ₹200 एक महीने सोच के देखिए इंटरनेट वो पता नहीं मुझे पता नहीं डिश टीवी का वो जो आजकल वो देते हैं ना कनेक्शन कितने रुपए आजकल कनेक्शन केबल का मेरे घर में ना टीवी है ना केबल है मैं आपको बता रहा मेरा टीवी स्टेशन है पर टीवी नहीं मेरे घर में आइए कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में इतना बड़ा टीवी है मेरे घर में तो इतना सा भी टीवी नहीं मेरे घर में आइएगा अभी आए ना पूरा घर छान लिया टीवी नहीं मिलेगा कहीं आपको क्यों मैं टीवी में आता हूँ टीवी में देखूँ क्या अब मैं अपने आप को कब से देखने लगूँ प्रेज द लॉर्ड जो टीवी देखते हैं वो टीवी के बाहर रहते हैं जो नहीं देखते हैं वो टीवी के अंदर से बोलते हैं मैं कहाँ बोलता हूँ टीवी के तो मेरे को टीवी की जरूरत नहीं तो मैं नहीं रखता तो मुझे नहीं ₹500 ये कितना है 200 500 में तो 3 महीने 90 दिन का कनेक्शन जिससे आत्मा क्या होगी उठेगी वहां पे तो ₹500 लगा के बिजली का बिल आएगा चार्ट मूवी देखने का सर में दर्द होगा फिर कहोगे पास्टर लग रहा है हम मरने वाले हैं क्यों टीवी इतना देखोगे तो ऐसे ही लगेगा क्यों टीवी में क्या चिल्लाएंगे ये वायरस आ गया मंकी पॉक्स आ गया चिड़िया पॉक्स आ गया गैया पॉक्स आ गया उनसे पता नहीं क्या क्या बोले अभी नया सुना रहे गैया पॉक्स मैंने कहा लो अभी गैया भी मरने लगी यू नो सो गैया ही बचा रही थी अब गैया ही मर रही है अब मुझे बचाए कौन किसको बाकी जोक है प्रेज द लॉर्ड सेल सिस्टम में पार्टिसिपेट कीजिए फाउंडेशन स्कूल देखिए रीच आउट वर्ल्ड चल रहा है एक लैंग्वेज को आप ट्रांसलेशन स्पॉन्सर कीजिए 7000 लैंग्वेज हैं भारत में हम 400 भाषा ट्रांसलेट करते हैं और हर महीने का खर्चा है 5000 तो आप एक भाषा को स्पॉन्सर कर सकते हैं हर महीने एक परिवार की तरह एक व्यक्ति की तरह एक बिजनेस की तरह सही है जाके क्या कीजिए स्पॉन्सर कीजिए और आपको लगता है कि नहीं वो कम है तो पूरी भाषा स्पॉन्सर कर दीजिए हम उसका पूरा खर्चा आता है 40000 जिसमें हम 1000 कॉपी छापते हैं 1000 कॉपी बांटते हैं और ट्रांसलेट करते हैं तो आप कह सकते हो हर महीने मैं कॉपी का ट्रांसलेट करने का छापने का और बांटने का खर्चा उठाना चाहता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं 40000 जो आपका विश्वास हो उस हिसाब से हम खड़े होंगे परमेश्वर का धन्यवाद देंगे परमपिता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन
आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment, and share. Thank you, and God bless you.